अर्थमेटिक कोडिंग एक हमारी डाटा कंप्रेशन टेक्निक है जो कि हमारी स्ट्रिंग को इनकोड करती है, फ्रैक्शनल वैल्यू में हमारी डेटा को रिप्रेजेंट करती है। अब और इसकी रेंज 0 से 1 के बीच में होती है। आओ अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारा गिवन है हमारी सब स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग गिवन है ए बी सी ए डी, मीन्स ये हमारी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारी गिवन है। और अब हम क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंबल, देन हमारी प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, एंड देन उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सी डी सी। सिंबल मेरा पहला सिंबल है ए बी सी एंड डी। प्रोबेबिलिटी ए इज गिवन, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 0.1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज 0.4। नाउ सी डी सी इज कैलकुलेट, फर्स्ट वैल्यू इज रिटन एज सेम, देन सेकंड वैल्यू लिखेंगे तो हम इसमें फर्स्ट वैल्यू और ये इस वाली वैल्यू को ऐड करके लिखेंगे, तो 0.2 एंड 0.3 इज 0.5, देन 0.5 में हम 0.1 ऐड करेंगे तो 0.6, एंड 0.6 में हम 0.4 ऐड करेंगे तो मीन्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारी रेंज जो है 0 से 1 के बीच में है और हमारी सी डी सी आई है 0 से 1 के बीच में, तो हम इसको प्लॉट करेंगे। मीन्स हमारी लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट इज 1, देन सी डी सी इज प्लॉटेड 0.2 एंड 0.5 एंड 0.6। मीन्स एक ही रेंज हमारी 0 से 0.2 के बीच में है। हम यहाँ पर ए मेंशन करेंगे, देन बी, देन सी एंड डी की लिमिट हमारी 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी। अब ए की जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ए की हमारी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 0.2 है। मीन्स हमारी 0.2 है। अब हम ए के लिए यहाँ पर हम ए लिख दे रहे हैं। अब हम ए के लिए अपना फार्मूला लगाएंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू एंड यहाँ की वैल्यू, मीन्स ए बी एंड सी। देन अपर लिमिट ऑफ ए इक्वल टू, एक फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस कैपिटल डी, मीन्स डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इंटू प्रोबिलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट। देन इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, लोअर लिमिट हमारी क्या है 0 है, प्लस डिफरेंस निकालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मीन्स हमारा आएगा 0.2 माइनस 0, तो हमारा आ जाएगा 0.2 इंटू प्रोबिलिटी डिटर्मिनेंट हमारी ए के लिए। पहले ए के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ए के लिए वैल्यू कितनी है 0.2 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.04। ऐसे हम अपर लिमिट कैलकुलेट करेंगे बी के लिए, तो अपर लिमिट ऑफ बी इक्वल टू, फार्मूला हमारा सेम रहेगा, लोअर लिमिट प्लस डिफरेंस इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट। मीन्स हमारा लोअर लिमिट सेम है, डिफरेंस हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट। जब हम बी का कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 0.5 है उसकी प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट। सो जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.010। एंड ऐसे हम जब अपर लिमिट आप सी निकालेंगे तो हमारा फार्मूला सेम होगा, लोअर लिमिट प्लस डिफरेंस इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट। तुम्हारी लोअर लिमिट 0 प्लस डिफरेंस हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0.2 इनटू हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट है सी की 0.6।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.012। एंड इन सब वैल्यू को हम इसमें प्लॉट कर देंगे तो हम यहाँ पर 0.04 देन 0.010 एंड 0.012। देखो हमारी सब स्ट्रिंग जो है हमारी ए बी सी एंड डी है, तो हम पहले ए के लिए यहाँ पर परफॉर्म किया है ऑपरेशन, तो हम यहाँ पर ए की ए को डार्क कर देते हैं ताकि हम भूलें ना कौन कौन सा ऑपरेशन कर लिया है। अब हम बी के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ हम बी को डार्क कर दे रहे हैं, पी का रीजन हम डार्क कर दिया, ठीक है। अब हमारा बी की लोअर लिमिट ये बन जाएगी और इसकी अपर लिमिट हमारी बन जाएगी ये, ओके। अब यहाँ पर हमारे बी के लिए करेंगे तो बी की हमारी अपर लिमिट यहाँ पर हम लिखेंगे बी, और बी की हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी 0.04 एंड बी की अपर लिमिट हो जाएगी 0.010। सो सेम वैल्यू हम बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो अपर लिमिट ऑफ इक्वल टू, फार्मूला हमारा सेम रहेगा, प्लस डिफरेंस इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर हमारा क्या चेंज होगा कि लोअर लिमिट हमारी क्या है 0.04 प्लस डिफरेंस, हम जब 0.010 में 0.04 सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स घटाएंगे तो हमारा आएगा 0.06 इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट हमारा यही रहेगा सबके लिए 0.2, 0.5, 0.6। हमारा ए के लिए पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा 0.2 आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.052। और अब हम दूसरा निकालते हैं अपर लिमिट ऑफ बी इक्वल टू फार्मूला लोअर लिमिट प्लस डिफरेंस इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट। हमारा लोअर लिमिट है इसकी 0.04 प्लस डिफरेंस हमारा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0.06 इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट ऑफ बी इज 0.5। जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 0.07। उसके बाद में हम अपर लिमिट ऑफ सी करेंगे तो हमारा आएगा लोअर लिमिट प्लस डिफरेंस इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट, देन लोअर लिमिट हमारी क्या है 0.04 प्लस हमारा डिफरेंस है इसका 0.06 इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट ऑफ सी इज 0.6। सो जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 0.076। अब इन सब इन वैल्यूओं को हम इसमें प्लॉट करते हैं तो हमारा है 0.052 देन 0.07 एंड देन 0.076। अब हमारी जो यहाँ पर स्ट्रिंग थी ए बी सी ए डी, हमने उसमें ए के लिए परफॉर्म कर लिया, बी के लिए परफॉर्म कर लिया, अब हम सी के लिए परफॉर्म करेंगे। तो मींस हम सी के सामने वाले को डार्क कर देंगे यहाँ पर ताकि हम भूलें ना, और अब हम सी की लोअर लिमिट हमारी हो जाएगी यहाँ पर 0.07 और यहाँ पर एक एरो मारेंगे जिससे दिखे सी के लिए हमने ऑपरेशन किया, और इसकी अपर लिमिट हो जाएगी हमारी 0.076। अब हम सेम ऑपरेशन फिर ए एंड बी की तरह सी का, अब हम सेम ऑपरेशन ए एंड बी की तरह सी का भी निकालेंगे। अब हम सी के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अपर लिमिट ऑफ ए इक्वल टू, फार्मूला हमारा सेम रहेगा, लोअर लिमिट प्लस डिफरेंस इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट। इसमें हमारी लोअर लिमिट सी की है 0.07 एंड अपर लिमिट हमारा 0.076। सो अब हम वैल्यू को इसमें लिखेंगे, हमारी लोअर लिमिट है 0.07 प्लस डिफरेंस हमारा 0.07, हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0.076 में हम 0.07 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0.006।
इनटू, जब प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट लिखेंगे ए के लिए कर रहे हैं तो ए का हमारा प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट 2 है, 0.2। इसको जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आएगी वैल्यू 0.0712। एंड अब हम ऐसे निकालेंगे, अपर लिमिट ऑफ बी इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस डिफरेंस इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट। लोअर लिमिट हमारी क्या है 0.07 प्लस डिफरेंस है हमारा 0.006 इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल 0.5 है मेरा। जब हम इसको सॉल्व वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आएगी 0.073। एंड अपर लिमिट ऑफ सी निकालेंगे तो हमारा फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस डिफरेंस इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट। सो लोअर लिमिट हमारी है क्या 0.07 प्लस डिफरेंस हमारा 0.006 इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट हमारा 0.6। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.0736। इस वैल्यू को हम अपने ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ये वैल्यू, ये वाली, ये एंड ये। सो हमारी वैल्यू है 0.0712 एंड नेक्स्ट है हमारी 0.073 एंड नेक्स्ट है हमारी 0.0736। अब हम यही काम हमने ए के लिए किया, बी के लिए, सी के लिए। एंड हमारी जो स्ट्रिंग है वो है ए बी सी ए डी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने कर लिया ए के लिए, कर लिया बी के लिए, कर लिया सी के लिए, कर लिया। हमारा अगेन ए है तो हम ए के लिए क्या करेंगे, अपने यहाँ पर हम फिगर में आएंगे और फिगर में जैसे कि हमारा अगेन ए आ गया है तो हम ए का पार्ट हमारा क्या है, ये है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे एरो और इसके लिए हमारी जो लोअर लिमिट है वो यही हो जाएगी 0.07 और यहाँ पर लिखेंगे ए। एंड इसकी जो अपर लिमिट है वो हमारी हो जाएगी 0.0712। एंड अब हम सेम काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, ए के लिए फिर से हम तीन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ये एंड ये। तो उसके लिए हमारा फार्मूला है, अब हम सेम वैल्यू ए के लिए कैलकुलेट करेंगे तो अपर लिमिट ए इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस डिफरेंस इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट। सो लोअर लिमिट हमारी क्या है यहाँ पर 0.07 प्लस डिफरेंस ऑफ 0.0712 में 0.07 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0.0012 इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा है 0.2। जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.0724। अब हम अपर लिमिट बी के लिए काम करेंगे, लोअर लिमिट प्लस डिफरेंस इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट। सो लोअर लिमिट हमारी क्या है 0.07 प्लस डिफरेंस हमारा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0.0012 इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट ऑफ बी इज 0.5। सो हमारी वैल्यू, जब इसकी वैल्यू पूरा निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.0706। अपर लिमिट ऑफ सी जब हम निकालेंगे तो हमारी हो जाएगी लोअर लिमिट प्लस डिफरेंस इनटू प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट। हमारी लोअर लिमिट क्या है, सेम है 0.07 प्लस डिफरेंस है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0.0012 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 0.6। जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 0.07072। अब हम सेम इस वैल्यू को अगेन प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो हमारा वैल्यू है 0.07024 एंड नेक्स्ट वैल्यू है हमारा 0.0706 एंड अगेन 0.07072।
फ्रेंड्स, हमारी जो यहाँ सब स्ट्रिंग थी ए बी सी ए डी, तो हमने ए के लिए कैलकुलेट किया, बी के लिए कैलकुलेट किया, सी के लिए कैलकुलेट किया, फिर अगेन ए के लिए, अब हमें डी के लिए करना है। तो डी का ये जो रेंज है इसको हम डार्क कहते हैं, और जब डार्क करेंगे तो ये हमारी क्या होगी, लोअर लिमिट हो जाएगी और ये हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। मींस जब हमारी दो ही वैल्यू बचे ओनली 0.07072 एंड इसकी अपर लिमिट है 0.07012। मींस अब हमारे इस इन अब जब हमारी इस और इस कोऑर्डिनेट के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है तो वो हमारा लास्ट हो जाएगा, तो ये हमारा डी का हो जाएगा। अब ये हम यहाँ पर एरो बना देंगे डी, और जब हमारी केवल दो ही वैल्यू बची तो लास्ट में हमारी इनकोडेड वैल्यू निकालने के लिए हम इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो उसको हम टैग बोलते हैं। सो लास्ट में हम टैग निकालेंगे तो उसमें लास्ट वैल्यू ये एंड ये, इसको हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.07012 प्लस 0.07072 डिवाइड बाई 2। जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में 0.07096। ये हमारी इनकोडेड वैल्यू हो गई। यही फ्रेंड्स, ये हमारी आएगी 0.07096। एंड अगर हमारे क्वेश्चन में डिकोड करने के लिए बोले तो हम डिकोड करेंगे, और अगर हमारी यही वैल्यू फिर से प्राप्त होती है क्वेश्चन में तो हमारा मींस क्वेश्चन सही है। सो इसमें हमें इनकोड के लिए बोला था, हमने इनकोड कर दिया। थैंक यू।